हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने फोन पे अकाउंट के पैसे को, फोन पे एप्लीकेशंस के पैसे को अगर आप ड्रीम 11 की वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं, अगर आप ड्रीम 11 में पैसा लगाना चाहते हैं, हालांकि लगाना नहीं चाहिए क्योंकि एक तरह का नशा है, इसमें आप बुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फोन पे अकाउंट के पैसे को ड्रीम 11 में किस तरीके से ऐड किया जाता है, किस तरीके से फोन पे अकाउंट के पैसे को हम अपने ड्रीम 11 की वॉलेट में ऐड करें ताकि उस पैसे को यूज करके हम अपना मैच खेलें, तो किस तरीके से आप अपने फोन पे अकाउंट के पैसे को ड्रीम 11 के वॉलेट में ऐड किया जाता है, वो सारे प्रोसेस में मोबाइल की स्क्रीन में जाकर के आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन में जाकर के आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल सऊद की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं आ गया मोबाइल के स्क्रीन में, अपने फोन पे अकाउंट से ड्रीम 11 के वॉलेट में मनी ऐड करने के लिए, पैसा भेजने के लिए आप किस तरीके से अपने ड्रीम 11 की वॉलेट में फोन पे एप्लीकेशन से, फोन पे अकाउंट से पैसे को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रीम 11 के एप्लीकेशंस को ओपन करना होगा। जैसे ही ड्रीम 11 एप्लीकेशंस ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब इसके वॉलेट में मनी को ऐड करने के लिए दाहिने साइड ऊपर में कोने में एक वॉलेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको टच करना होगा। जैसे ही टच कीजिएगा तो आपके ड्रीम 11 के वॉलेट यहां ओपन होकर आ जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे ड्रीम 11 के वॉलेट में 8 रुपीज है। अब मैं इसमें पैसा ऐड करके भी आपको दिखाऊंगा कि मेरे ड्रीम 11 के वॉलेट में पैसा ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एडेड कैश, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जितना भी रुपया ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आपको एंटर कर लेना होगा। जैसा कि मैं अपने फ़ोन पे अकाउंट से ड्रीम 11 के वॉलेट में 49 रुपया ऐड करूँगा तो यहाँ पे मैं 49 रुपया डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे एक एडेड 49 रुपया, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा। ये थोड़ा एप्लीकेशन भारी है जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो काम करता है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने ड्रीम 11 के वॉलेट में गूगल पे के थ्रू से, फोन पे के थ्रू से, अमेजन पे के थ्रू से, एडेड न्यू कार्ड के थ्रू से, यूपीआई के थ्रू से और नेट बैंकिंग के थ्रू से और वॉलेट के थ्रू से ऐप मनी को ऐड कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है तो फोन पे अकाउंट से ड्रीम 11 के वॉलेट में मनी को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं इसी पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो फोन पे का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा। उसके बाद आगे जो प्रोसेस हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप अपने फोन पे अकाउंट में जो भी यूपीआई पिन क्रिएट किए हैं, जो भी अपना यूपीआई पिन बना करके रखे हैं यहाँ पे आपको डाल लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पे फटाफट डाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना फोन पे अकाउंट का यूपीआई पिन डाल चुका हूँ। उसके बाद आपको नीचे साइड एक सही के आइकन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेंडिंग एनी प्रोसेसिंग होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फोन पे अकाउंट से पैसा काट करके ड्रीम 11 के वॉलेट में ऐड हो चुका है। अब ऐड हुआ कि नहीं हुआ वो मैं आपको ड्रीम 11 के वॉलेट को ओपन करके देख लेता हूं। ओपन करने के लिए इसके ऊपर टच करता हूं, अपने ड्रीम 11 के वॉलेट को टच करता हूं तो आप देख सकते हैं पहले 8 रुपीज था, अब उसके बाद 49 रुपये ऐड होने के बाद 57 रुपया 8 पैसा हो गया। इस तरीके से आप अपने फोन पे अकाउंट से ड्रीम 11 के वॉलेट में मनी को ऐड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।